हाय स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस के लास्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझें। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। ये हमारी दो शिप्स हैं और ये हमारा ए बी लाइट हाउस है। जब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात आएगी तो आप ये समझ लीजिए कि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख, आपकी आईज झुकी हुई है। जब एंगल ऑफ इलिवेशन की बात आती है तो आप नीचे से ऊपर की तरफ देख, आपकी आईज उठी होती है, इसीलिए इलिवेशन होती है। और जब आप ऊपर से नीचे देखते हैं तो आपकी आंखें झुकी होती है, इसलिए उसको डिप्रेशन बोलते हैं। समझने की बात बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ। तो अब क्या है कि जो हमारा लाइट हाउस है उसके टॉप से दोनों शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए गए। तो अब हमारा ये हमको 100% पता है कि जितना दूर जाएगा उतना एंगल कम होगा, ये नजदीक है इसका एंगल ज्यादा होगा। तो इससे क्लियर हो गया, ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 50। हमसे दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछ रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं, सीडी, सीडी की डिस्टेंस बतानी है। सिंपल, हमने पहले भी क्वेश्चन किए हैं, ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हुआ, तो जब ये 30 डिग्री है तो ऑलरेडी अपने टाइम 40 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएगा। अब हमने क्या करना, सिर्फ दो ट्रायंगल को कंसीडर करना। एक बार हम ए बी डी को कंसीडर कर लेते हैं, पूरे ट्रायंगल को, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 75 अपॉन बी डी ले लेते हैं। और दूसरे केस में ए बी सी को कंसीडर करते हैं, ये हमारा हो जाएगा टेन 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। अब टेन 45 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है 75 अपान बी सी, तो 1 अपान 1 बी सी इज इक्वल टू 75, ये तो क्लियर हो गया 75। और इसको x मान लेते हैं, और इसके बाद अब ए बी डी में लेंगे तो ए बी डी में टेन 30 डिग्री 1 अपान रूट 3 इज इक्वल टू 75 अपान ये कंप्लीट बी डी मीन 75 प्लस एक्स। बस इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, हो गया सॉल्यूशन। देख लेते हैं इसको, नीचे समझ लेते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिन्होंने ना किया हो। आइए अब देखते हैं, टेन 45 डिग्री हमारा 1 होता है तो बी सी हमारा 75 मीटर आ गया, जो हमने डिस्कस किया था। और ये हमारा 75 अपान बी सी प्लस सी डी 1 अपान रूट 3 होगा। 75 अपान 75 प्लस सी डी इक्वल टू 1 अपान रूट 3, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 75 रूट 3 इक्वल टू 75 प्लस सी डी। 75 को लेफ्ट में लेके आए और 75 कॉमन ले, तो 75 इंटू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू सी डी, और यही हमको निकालना, बहुत आसान।
बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। इसमें सिंपल ये समझना है कि जो हमारा लाइट हाउस है, ये हमारा लाइट हाउस है, इसके टॉप से ये जो दोनों शिप है इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको दिया है, बस इतना ही समझ। डी पर जो शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हो गया, और जो सी पर शिप है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 40। तो ये 30 डिग्री यहां पर आ गया, 45 डिग्री यहां, दो ट्रायंगल बन गए, दोनों से सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 14 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1.2 मीटर टाल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये बैलून है, ये उड़ रहा है, पहले यहां था फिर यहां आ गए, लेकिन ये सेम स्ट्रेट लाइन में उड़ रहा है, और इसकी यहां ग्राउंड से डिस्टेंस है 88.2 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जब यहां पर बैलून था तो ये एंगल 60 डिग्री था, कुछ टाइम के बाद जब बैलून यहां पहुंच गया तो यही एंगल ऑफ एलिवेशन घट के 30 डिग्री हो गया। तो ये पूछ रहा है कि बैलून ने इतने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब हमको ये डिस्टेंस निकालनी, यहां से लेके ये डिस्टेंस निकालनी। सिंपल इसमें भी वही है, दोनों ट्रायंगल को लीजिए, एक ट्रायंगल हमारा ये हो गया और एक ट्रायंगल ये, बस सिंपली यही करना है। देखते हैं इसको, ये हमारा फिगर बन गया, ये कंप्लीट 88.2 है और यहां जो गर्ल है उसकी हाइट 1.2 है, तो ये जो पीजी है ये 88.2 में से 1.2 माइनस करना पड़ेगा, तो ये 87। अब हमारा क्या है, टेन 30 डिग्री की अगर बात करें, ट्रायंगल बी सी और जी को ले, बी सी जी, तो उस केस में टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 88.2 अपॉन सी जी ये पूरा एक आ गया, और टेन 60 डिग्री जब हम लेंगे तो टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा, ई अपॉन सीई। बस इन दोनों कैसे सॉल्व कर लेते हैं, और हमने फाइंड क्या करना है, FH, यही डिस्टेंस है, दोनों केसेस में सेम ही है, ये डिस्टेंस हमको निकालनी है, ईजी बोले या FH बोले एक ही बात, ये डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। अब इसमें जब टेन 60 डिग्री लगाएंगे तो ई अपॉन सीई आ जाएगा, और एई क्या है, AF माइनस EF, और ये दोनों डिस्टेंस हमने पहले बात किया था कि 87 आ जाएगा, तो 87 अपॉन C इज इक्वल टू रूट 3, तो C की वैल्यू तो निकल गई 29 रूट 3, कैसे निकली, 87 अपॉन रूट 3 करेंगे, 87 क्या होता है 29 रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, वो कैंसिल हो जाएगा 29। और दूसरे ट्रायंगल BCG में अगर लेंगे तो हमारा BG अपॉन CG ये 10 30 डिग्री होगा, ये मेरा 87 है अपॉन CG इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट, तो ये हो जाएगा 87 रूट CG निकल गया। अब हमने दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, दैट इज CG माइनस C, एक आया 87 रूट 3, एक आया 29 रूट 3, दोनों को माइनस कर लिया 58 रूट 3 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको बस एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझने की जरूरत है, ड्रा कर लिया आपने फिगर को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एज एन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 30 डिग्री। यहाँ कोई कार है, ये यहाँ से इसको देखता है तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 30 डिग्री बना, ये एंगल भी 30 डिग्री। पॉइंट नंबर 1। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए मार्क स्पीड। 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड लेटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट सी से लेकर के डी तक आने में उसको 6 सेकंड लगे। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो। सी से डी तक आने में 6 सेकंड लगे और जब डी पर पहुंच गया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, 60 डिग्री। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो गया, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा टावर है, हमने डिस्कस कर लिया है, और इनिशियल पोजीशन कार का सी है और 6 सेकंड के बाद वो डी पर पहुंच जाता है। इनिशियल पोजीशन कार का सी है यहां पर और 6 सेकंड बाद वो डी पर पहुंच जाता है। तो ट्रायंगल एडीबी लेंगे, एडीबी छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, क्या होगा, टैन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, और फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, टैन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। बस इन्हीं दोनों से आंसर निकल गया। तो जब हमने ए बी अपॉन बी डी लिया तो इनका रेशियो आ गया रूट 3, क्योंकि टैन 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। उस केस में हमारा ए बी अपॉन बी सी टेन 30 डिग्री हो जाएगा, ए वन अपॉन रूट 3 हो, और जो बी सी है वो तो बी और सी के बीच में पॉइंट डी आ रहा है, तो बी सी हो जाएगा बी डी प्लस डी सी। तो इसको हमने सॉल्व किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए बी रूट 3 इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, सॉरी तो ए बी रूट 3 इक्वल टू बी डी प्लस डी सी, और जो बी डी हमारा था वो ए बी अपॉन रूट 3 था, अभी हमने ऊपर दिया, यहां इसकी वैल्यू कर दी, तो हमारी जो डीसी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बी रूट 3 माइनस ए बी अपॉन रूट 3। ए बी कॉमन ले लिया, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इसको सॉल्व करेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये हो गया 2 अपॉन, तो 2 ए बी अपॉन रूट 3 हमारा डीसी आ गया। अब इसके बाद देखते हैं, टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल डिस्टेंस डीसी, ये 2 ए बी अपॉन रूट 3 आ गया 6 सेकंड। तो कार टू ट्रेवल डिस्टेंस डीबी मतलब ए बी अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 2 ए बी अपॉन रूट 3 इंटू ए बी अपॉन। हमने यहां पर टाइम निकालना, तो क्या होगा इसमें, इसको सिंप्लीफाई करें, ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6 और रूट 3 रूट 3, ये रूट 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे रूट 3 है, रूट 3 रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 सेकंड हो जाएगा आंसर। ये हमारा आंसर। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंटरी। टू दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। इसमें सिंपली हमको बोल रहे हैं कि यहां से अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारा एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बोला है, मतलब दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है,
अगर एक को थीटा लेंगे तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तभी दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो। और एक 4 मीटर है और टोटल 9 मीटर है। हमसे ये बोला है कि प्रूव करो इसकी हाइट 6 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एक यू एस ले लेते हैं, और बाद में छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एक यू आर ले लेते हैं। जब आप टेन थीटा छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, टेन थीटा विल बी इक्वल टू एक यू अपॉन क्यू आर। एक यू को कोई हाइट मान लीजिए, एच मान लीजिए, एच अपॉन 4 हो गया। टेन थीटा कितना हो गया, एच अपॉन 4। टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4। और दूसरा जब लेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन टोटल डिस्टेंस 9। और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9। और टेन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9 होता है। अब एक तरफ टेन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 4 है, दूसरी तरफ कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन 9। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कट टू 1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा एच अपॉन 4 इंटू एच अपॉन 9, एच स्क्वायर अपॉन 36। तो एच स्क्वायर अपॉन 36 विल बी इक्वल टू 1। सो एच स्क्वायर अपॉन 36 1 हो जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू 36 आ जाएगी, तो एच की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी, तो हमने प्लस की वैल्यू ले ली 2। इसको देखते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू आर टेन थीटा हो गए, तो टेन थीटा हमारा ए क्यू अपॉन 4 हो गया, क्योंकि क्यू आर दिया हुआ है। दूसरे केस में टेन 90 माइनस थीटा वाले एंगल को कंसीडर किया, तो ये ए क्यू अपॉन 9 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा है तो 1 हो गया। ये ए क्यू स्क्वायर अपॉन 36 आ गया, ए क्यू स्क्वायर की वैल्यू 36 आई, ए क्यू की वैल्यू प्लस 6 आई, हाइट निगेटिव नहीं होगी, इसलिए एक ही पॉइंट 6 हो गई। इसका मतलब टावर की हाइट 6 मीटर है। ये हमारा प्रूव हो गया, एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग हमसे कनेक्टेड रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। टाइम पर आप लोगों का सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है मेल करें, मैसेज में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।